मिस्टर इशन सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी में हमें सेकंड ट्राइमेस्टर में किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगी जो कि आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और उसके बाद कुछ चीजें हम ऑप्शनल देखेंगे, यानी कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसके बिना भी चला सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर जो है उसमें रिक्वायरमेंट होगा एक अच्छे कंफर्टेबल ब्रा का, क्योंकि राइट नाउ हमारा बॉडी जो है वो गेन हो रहा है, तो हमारी टमी की साइज भी ग्रेन हो रही है, साथ ही में हमारा जो ब्रेस्ट का साइज है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट लेडी में ये डिफरेंट डिफरेंट दिखने को मिलता है, बट हमें अभी कंफर्टेबल इनर वियर की बहुत ही जरूरत होती है, तो आप सबसे पहले तो ब्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मैटरनिटी ब्रा भी ले सकते हैं, बट आई थिंक अभी उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, जब बेबी आ जाएगा उसके बाद भी हम मैटरनिटी ब्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो राइट नाउ मैं अभी ये वाली जो ब्रा है वो यूज कर रही हूँ, इसे ट्यूब ब्रा बोला जाता है। ये पहनने में एकदम ही कम्फर्ट है, यहाँ से इसका इलास्टिक दोनों ही साइड होता है, तो मुझे ये थोड़ी सी कम्फर्ट लगती है। ये फ्री साइज में अवेलेबल होती है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबसे पहला ये ऑप्शन है। और दूसरा कि मुझे ये सबसे अच्छा लगा, अभी कुछ दिनों से ही मैं इसे यूज कर रही हूँ, एकाध मंथ हो चुका है, आपको इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं ब्रा एक्सटेंडर। आप अपनी पुरानी जो ब्रा है, जैसे कि ये मेरी पुरानी ब्रा है, तो आप उसी में ये ब्रा एक्सटेंडर जो है उसे फिट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इससे हमारी जो भी पुरानी ब्रा है वो हम मतलब इजीली यूज कर पाएंगे, इससे इतनी इसकी साइज जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप नई ब्रा में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहला मैं कहूंगी मस्ट आपके पास होना चाहिए ब्रा एक्सटेंडर। तो जो चीज है वो है इस तरीके की, आप रिफिल कर पाए वैसी वॉटर इसमें भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें बहुत ज्यादा पानी पीना होता है और कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। तो कुछ दिनों से ही मैंने इस तरीके की बोतल में मतलब मैं जहां पर भी अपना काम करती हूँ या जहां पर भी होती हूँ वहां पर इसे रख देती हूँ। इसे देख के मुझे याद आता है कि मुझे पानी पीना है, तो अगर आप थोड़े थोड़े सिप भी लेते गए तो आप पूरे ही दिन हाइड्रेटेड रहेंगे, और आफ्टर डिलीवरी भी ये बहुत ही काम आने वाला है। जहां पर भी आपका बेड है वहां पर आप इस तरीके से बोतल रख दीजिए, तो आप बारी बारी पानी पी सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें होता है कि कहाँ लेने जाएंगे या तो भूल भी जाते हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए ऐसी एक छोटी सी बोतल में इन्वेस्ट करें और अपनी नजरों के सामने ही रखें। अगर आप ऑफिस में वर्क कर रही है तो भी आपके लिए ये बहुत ही सही रहेगी। तो सेकंड मैं कहूंगी कि आप ऐसी बोतल में इन्वेस्ट जरूर करें। उसके बाद तीसरी जो चीज है वो है स्ट्रेच मार्क ऑयल, यानी कि आप एक अच्छे ऑयल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे अभी मैं कोई ऐसी क्रीम या ऑयल यूज नहीं कर रही हूँ, घर पे ही मैंने एक क्रीम बनाई है वही मैं यूज कर रही हूँ। मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी बना के डाला है, अगर आप देखना चाहे तो होममेड रेमेडी से भी हम स्ट्रेच मार्क कम कर सकते हैं। और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल ले लीजिए, बादाम रोगन ऑयल ले लीजिए, कोई भी एक अच्छा सा ऑयल लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए और आपका टमी का जो पोर्शन है वहां पर आप इसका यूज कीजिए। अगर आप ये सारे ऑयल यूज नहीं करना चाह रहे हैं और क्रीम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। बट सेकंड ट्राइमेस्टर में हमें अपने टमी का जो पोर्शन है उसे मॉइस्चराइज रखना बहुत ही जरूरी है, तो आप उसमें जरूर इन्वेस्ट करें। चौथा मैं आपको कहूंगी कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको रिक्वायरमेंट होगा कंफर्टेबल कपड़े का, तो आप मैटरनिटी लेगिंग्स में जरूर इन्वेस्ट करें। मैंने दो मैटरनिटी लेगिंग्स में इन्वेस्ट किया है राइट नाउ, एक को मैंने पहन रखा है और दूसरी ये व्हाइट वाली, ये बहुत ही कंफर्टेबल है, इसका कपड़ा जो है वो आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। एंड राइट नाउ तो विंटर चल रहा है, तो आप इसके ऊपर कुर्ती डाल सकते हैं या तो कपड़े का लेयरिंग कर सकते हैं। तो मस्ट 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 है कि आप मैटरनिटी लेगिंग्स जरूर परचेस करें, इसका भी रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप एक अच्छी
एंड अफोर्डेबल लेगिंग्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। बाद लेगिंग्स के साथ साथ आपको मैटरनिटी कपड़े में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट नाउ टाइम हो गया है कि हम हमारी मैटरनिटी शॉपिंग शुरू करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई थिंक 4 to 5 month तक तो चल जाता है, बट सेकंड ट्राइमेस्टर में धीरे धीरे हमारा टमी का जो पोर्शन है वो ग्रो होने लगता है और उसके बाद कंफर्टेबल कपड़ों की जरूरत होती है। तो आप इस तरीके के लॉन्ग टी शर्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है, क्यूट से दिखते हैं और इसमें आपका कंफर्टेबल जो लेवल है वो भी बना रहता है। तो आप ऐसी टी शर्ट ले सकते हैं, पायजामा ले सकते हैं, कुर्ती, जिसके साथ आप कंफर्टेबल है उसके साथ जा सकते हैं। बट सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको मैटरनिटी आउटफिट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बात ये वाली मतलब जो परचेस है, क्योंकि अभी मेरी प्रेगनेंसी में विंटर जो है वो चल रहा है, तो मैं वुलन सॉक्स में भी इन्वेस्ट करने को कहूँगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी मतलब समर में आई है तो आपको ये वाली जो चीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो आप इसे ऑप्शनल बोल सकते हैं। या तो सीजन टू सीजन ये वेरी करेगा कि आपको सॉक्स पहनने हैं या नहीं, बट आई थिंक आपको थोड़े से सॉक्स लेके भी रख देने चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के टाइम भी हमें सॉक्स पहनने पड़ते हैं, अपने कान को भी अच्छे से ढक के रखना होता है, तो इसलिए सॉक्स भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है और आप कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में भी आपको सॉक्स पहनना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो एक मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छे से अच्छे सॉक्स में भी इन्वेस्ट करें। उसके बाद हमें ज़रूरत होती है कंफर्टेबल जूते की। राइट नाउ हमारा टमी ग्रो हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो आई थिंक हील्स पहनना उतना सही नहीं है, तो आप इस तरीके के कंफर्टेबल फ्लिप फ्लॉप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही फ्लैट होते हैं, इससे चलने में बहुत ही मतलब आसानी से हम चल सकते हैं। तो ये मैंने कहीं अगर हम हॉस्पिटल जाए या ऐसे ही थोड़ा सा बाहर जाना हो तो इसके लिए मैंने ये वाले लिए हैं। और एक और मैंने लिए हैं जो कि मैं घर में यूज़ करती हूँ, थोड़े से वुलन काइंड है। अभी विंटर का सीजन चल रहा है तो घर में भी आपको स्लीपर्स पहनने चाहिए। स्लीपर्स या तो फ्लिप फ्लॉप्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उसकी क्लिप भी आपको पास में दिखा दूंगी जो कि मैंने परचेज किए, बहुत से क्यूट से है वो और एकदम ही पैरों को गर्म रखते हैं। तो आई थिंक विंटर चल रहा है इसलिए आपको अभी 2 flip-flops लेने चाहिए, एक घर के लिए और एक बाहर के लिए। अदरवाइज जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको कंफर्टेबल जूती में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और चीज जो कि मैंने बहुत सारी जगह पर पढ़ा है कि सेकंड ट्राइमेस्टर पे हमें प्रेगनेंसी पिलों में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से सो लेती हूँ, पर मैं 3-4 तकियों का यूज़ करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके से मैं मतलब सोती हूँ। तो अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप प्रेगनेंसी पिलो में भी इन्वेस्ट कर सकती है। प्रेगनेंसी पिलो जो है वो बाद में आपको बेबी को फीडिंग कराने में भी आप उसका यूज़ कर सकती है, बट अभी मेरा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। अगर इन्वेस्ट करूँगी तो उसका रिव्यू डेमो और आपको बताऊँगी कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, बट राइट नाउ मैं अभी तो नहीं सोच रही हूँ मतलब वो प्रेगनेंसी पिलो लेने का। बट अगर आपको ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि आप एक कंफर्ट लेवल के साथ अपनी प्रेगनेंसी में आगे बढ़ना चाह रही है तो आप प्रेगनेंसी पिलो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाद ये चीज़ भी ऑप्शनल है, अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकती है। मार्केट में बहुत सारे मैटरनिटी बेल्ट्स भी अवेलेबल है। अगर आप चाहती है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में भी आपको जीन स्टाइल करना है और टमी का एरिया उतना नहीं दिखाना है, तो आप मैटरनिटी बेल्ट्स आते हैं जो कि यहाँ पर आप पहन सकते हैं। मैं पिक्चर आपको पास में दिखा दूंगी। राइट नाउ मेरे पास ऐसा कोई बेल्ट है नहीं क्योंकि मुझे उसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट अगर आपको वो चाहिए तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकती है। जो चीज़ है वो भी एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहे तो ही करें। यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया है एक स्मार्ट वॉच में। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मैं इसे पहन रही हूँ, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कितनी है। इसमें ज़्यादातर मुझे स्टेप्स जो है वो काउंट करती है ये वॉच, तो मैं देख लेती हूँ। अगर 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं एक एक्टिव डे है मेरा, तो इससे मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकती हूँ।
दूसरा, अगर रात में हम सोते हैं तो ये हमारे स्लीपिंग पैटर्न भी दिखाता है कि हमें अच्छे से नींद आई है या नहीं, और सब कुछ ही थोड़ा सा मेंशन करता है। इसमें मैं रिमाइंडर भी लगा सकती हूँ कि मुझे बार बार पानी पीना है। तो ये मुझे अभी थोड़ी सी यूजफुल हो रही है। ये बोट की मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दी थी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ये चाहिए थी। पहले मैं इसे यूज नहीं कर रही थी, जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तभी से मैं इसका यूज कर रही हूँ। तो अगर आपको भी इस तरीके से अपना फिटनेस का थोड़ा सा ख्याल रखना है या कुछ ऑब्जर्व करना है, तो आप ऐसे स्मार्ट वॉच में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का वीडियो। उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी।